अब मैं जनाब मोहम्मद अली अशरफ फातू साहब से गुजारिश करूँगा। जनाब सदर, हमारे सीनियर लीडर श्याम किशोर प्रधान साहब, अब्दुल मन्नान अंसारी साहब, डॉक्टर फराज फातमी और यहाँ मौजूद सभी मुअज्जिज़ असातिज़ा कराम व दीगर साथियों, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। कि आपने एक खूबसूरत मौका दिया कि आपके बीच में मैं आया। दरअसल आने में कुछ ताखीर ज़रूर हो गया, अब वो उसमें कुछ टेक्निकल गलती है। हमारे यहाँ का जो पंडा सराही का जो घूमती था, काफ़ी लंबा जाम लगा हुआ था, फिर घूम घाम करके फिर दूसरे गुमती पे गए, वहाँ भी जाम, तो काफ़ी वक्त लग गया आने में। मैं माफ़ी चाहता हूँ। आप इतनी बड़ी तादाद में यहाँ जमा हैं, ये देख कर के भी खुशी हो रही है कि हमने इतना देर किया, आप इतना पहले आ गए। देखिए, मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगा आज। तालीम के मामले में और उसमें भी मुसलमानों के तालीम के लिए एक लंबी फहरिस्त है, जो मैंने वज़ीर की हैसियत से भी, जो मैंने एमपी के हैसियत से भी, और अब जब मैं कुछ नहीं हूँ तब भी करता रहा हूँ। और इंशाअल्लाह मैं आपसे वादा करता हूँ कि जितनी उम्र भी बची हुई हो हमारी, मौत के आखिरी लम्हे तक इस काम में लगा रहूंगा। तो मैं आपसे वादा करता हूँ। आपसे मैं क्या कहूँ कि मदरसे को लेकर मेरी एक लंबी लड़ाई है, और मैंने तो एक मदरसा बोर्ड कौमी जो पूरे नेशनल लेवल पे होता, उसका भी अप्रूवल दे दिया था। शायद कुछ लोगों ने मुखालफत ना किया होता, वो भी मुखालफत अपनों ही में से आई, वो समझ नहीं पाए सेंट्रल मदरसा बोर्ड को, वरना वो भी क़याम में आया होता। और आज उसके अंडर में भी हज़ारों मदरसे होते और एक अच्छी तालीम का सिलसिला वहाँ से बनता। लेकिन अब गुज़रे हुए वक्त की बात करने से कोई फ़ायदा नहीं। इंशाअल्लाह ज़िंदा कौमें इंतज़ार करती हैं, लड़ती हैं अपने हक़ के लिए। आप लड़ते रहें, इंशाअल्लाह सब कुछ अच्छा होगा। और अगर आप तालीम मदरसे के ज़रिए चाहते हैं तो उसमें भी बेहतरीन इंतज़ाम हो, हम लोग उसी काम में लगे हुए हैं। मैं आपको बताऊं कि एक मर्तबा नीतीश कुमार जी से मैंने जब ज्वाइन किया था, तो उस दिन का फुटेज देख लीजिएगा। जब मैं ज्वाइन कर रहा था हॉल के अंदर नीतीश कुमार जी के घर पर, तो मैंने एक ही शर्त रखी थी कि मेहरबानी करके आप मदरसे के निज़ाम को ठीक कर दीजिए और उसमें जितनी मदद हो करिए। तो मुझे याद है कि इस सिलसिले में एक मीटिंग बुलाई गई, और मीटिंग में जो होम सेक्रेटरी थे अपने, वो भी थे, विजय चौधरी जी जो अब एचआरडी मिनिस्टर हैं, वो स्पीकर थे उस वक्त, वो भी मौजूद थे, अब्दुल कय्यूम अंसारी साहब जो सदर हैं मदरसे के, चेयरमैन हैं, वो भी मौजूद थे, और एजुकेशन सेक्रेटरी भी वहाँ मौजूद थे।
कोई तकरीबन 3.25 घंटे वो मीटिंग चली, जिसमें नीतीश कुमार जी खुद तकरीबन 1/2 घंटा बोले होंगे, और आखिरी में मुझे जब वक्त मिला तो एक मैंने 3 पेज का बिल्कुल लिखित भी उनको दिया, और फिर वो बात मैंने रखी। वो बात अभी रखने का वक्त नहीं है, लेकिन उस मीटिंग का जो सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ वो ये था कि 25 करोड़ पहले कंस्ट्रक्शन के लिए मिलता था पूरे बिहार के लिए। मैंने कहा कि नीतीश जी, ये 25 करोड़ रुपए से क्या होने वाला है? तकरीबन 2900 तो आपके मदरसे वैसे होंगे जिसको सरकारी दर्जा है, और फिर प्राइवेट मदरसे हैं जो वो अलग हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा कि बढ़ाइए इसको। उन्होंने फौरन उसी वक्त जो कंस्ट्रक्शन में खर्च आएगा उसके लिए 100 करोड़ रुपया उन्होंने 25 से 100 उसी वक्त कर दिया। और दूसरी, हमने कहा कि मदरसा चलता है, मदरसा बोर्ड 1981 से है, उसके लिए अपनी कोई जगह नहीं है। उन्होंने फौरन एक काफ़ी बड़ा, एक पूरा, आपको पता ही होगा कि एक पूरा एक फ्लोर अब मदरसा बोर्ड को दे दिया गया है, जिसमें तकरीबन शायद 1 लाख स्क्वायर फुट से ऊपर ही का एरिया है। जी, तो उन्होंने उसी वक्त उसको ऑर्डर किया कि वो वाला हिस्सा इनको दे दिया जाए, और अब शायद वो मिल भी गया हो। तो जी, हाँ, मुझे नहीं मालूम उतना, लेकिन उन्होंने उसी वक्त उसका ऐलान कर दिया कि ये मदरसा बोर्ड को दे दिया जाए। उसके बाद मदरसा बोर्ड के लिए जो बहुत कुछ है जिसको हम आप नहीं जानते हैं, हम लोग समझ भी नहीं पाते हैं। जैसे मदरसा बोर्ड 1981 में बना, उसके बाद आज तक मदरसा के में कोई भी रेगुलेट करने के लिए कोई भी कमेटी नहीं है जिसमें किताब बने, या फिर किस तरह का तालीम हम लेके चलेंगे। आपको मालूम होगा कि जब मैं मंत्री था तो मैंने सबसे बड़ा काम किया था कि जितने भी मदरसा बोर्ड हैं हिंदुस्तान के, उनके सर्टिफिकेट को 10+2 के मैंने जोड़ दिया था, जैसे CBSE है, बिहार बोर्ड है, UP बोर्ड है, इक्विवेलेंसी बोलते हैं कि आज कोई भी बच्चा मदरसा बोर्ड से पास करेगा तो पूरे हिंदुस्तान में या दुनिया के किसी कोने में चले जाओगे आप तो उसकी वैल्यू CBSE बोर्ड, बिहार बोर्ड, UP बोर्ड के बराबर की है। तो ये एक बड़ा काम हो चुका था, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि मदरसा सिस्टम में हमारा सिलेबस कैसे तैयार होगा, हमारी किताबें कैसे तैयार होंगी, इस तक की कमेटी नहीं है। बुरा मत मानिए, हर आदमी ईमानदारी पैदा होता है, ईमानदारी मरता है, लेकिन जब सिस्टम बुरा होता है तो उसमें फंसता चला जाता है। मैं नहीं समझता हूँ कि इसमें जितने भी यहाँ लोग बैठे होंगे पढ़ाना नहीं चाहते या दर्स नहीं देना चाहते, फ्री का पैसा लेना चाहते हो, ऐसे कोई भी नहीं होता दुनिया के अंदर। लेकिन जब निज़ाम बनता है तभी जा कर के लोग दिल से जुड़ते हैं चीज़ों के साथ। आप देख लो कि केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय दिल्ली से चलता है, तकरीबन 1000 से ऊपर केंद्रीय विद्यालय, 650 से 700 के बीच में नवोदय विद्यालय। बिहार का नहीं है वो, उसकी ऑफिस कहाँ है? दिल्ली में। लेकिन आज सबसे अच्छा नतीजा किसका आता है? केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय। मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी कहाँ है? हैदराबाद में, दरभंगा में उसका कैंपस है। आपको जान के ताज्जुब होगा कि वो सबसे अच्छा रिजल्ट दे रहा है दरभंगा के अंदर। क्यों दे रहा है? उसके जो चलाने वाले लोग हैं वो हर चीज़ पर निगाह रखते हैं, निसाब पर, किताब पर, डेली की पढ़ाई पर। तो ये सिस्टम को ठीक करने की ज़रूरत है। मैं कभी भी ब्लेम नहीं करता हूँ कि मौलाना लोग बेईमानी करते हैं मदरसे के अंदर, पढ़ाते नहीं हैं, हम पढ़वाते नहीं हैं,
हमें वो निज़ाम देना पड़ेगा, वो सिस्टम देना पड़ेगा जिसके अंदर सब लोग इन्वॉल्व हो करके, और कोई क्यों नहीं चाहेगा। मुझे याद है कि एक मर्तबा मैं कामरान मॉडल हाई स्कूल में या मानू के कैंपस में मदरसे का एग्ज़ाम चल रहा था, मैंने मंजर भाई से प्रोटेस्ट किया, मैंने कहा कि ये नहीं चलना चाहिए, नकल हो रहा है हदीस का, कुरान का, किस चीज़ की चोरी कर रहे हो आप। तो इन सब चीज़ को भी हमको देखना पड़ेगा कि हम अपने सिस्टम को ठीक किस तरह से करें। और भाई देखिए, नौकरी करने वाले कितने लोग हैं, अगर 4000 मदरसा हुआ, अगर 10 टीचर भी पर हेड हो गए तो पढ़ाने वाले तो कम होंगे, पढ़ने वाले उससे कम से कम एक टीचर 35 से 40 बच्चों को तो पढ़ाएगा, तो 40 गुना लोगों का फ़ायदा होना है। और उसमें हर तरह के उस्ताद हैं, जो कुरान हदीस के दर्स देंगे वो भी हैं, जो हिसाब और अंग्रेज़ी पढ़ाएंगे वो भी हैं। तो सबकी ज़िम्मेदारी बनती है कि मिलजुल करके इस निज़ाम को दुरुस्त करें, लेकिन आज वो मौका नहीं है। मैं इस पर बहुत तफसीली, इंशाअल्लाह मैं आपसे वादा करता हूँ कि ज़िला के लोगों के साथ बैठूँगा। मैं उस हक़ में हूँ कि आपको जितने तरह की सहूलत है वो मिले, चाहे हर मदरसे के अंदर बिल्डिंग बने, हर मदरसे के अंदर कोई एक नहीं बचा हुआ रहे, जहाँ भी ज़मीन है सब जगह पर घर बने, उनके सैलरी जिस तरह से अच्छी हुई है वो हो, और जो दूसरी सहूलतें हैं उनको मिलनी चाहिए वो मिले, ये मेरा मानना है। और मैं समझता हूँ कि जिस दिन ये सिस्टम ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह, ये मदरसे जैसे इजिप्ट के अंदर दो सिस्टम, दो निज़ाम चलता है, एक जैसे बिहार बोर्ड और दूसरा ये मदरसा बोर्ड, तो जो बोर्ड से बच्चे वहाँ निकलते हैं पास करके मदरसा बोर्ड के सिस्टम से, मदरसा सिस्टम से, तो आप यकीन नहीं करेंगे वो बच्चे MBBS इंजीनियरिंग और वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में ज़्यादा जाते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। इसलिए मेहरबानी करके हम लोग इस निज़ाम को दुरुस्त करें, ताकि हम अपने फ्यूचर में, आप जिस बच्चों को पढ़ाते हैं वो आप ही के ख़ानदान के, आप ही के घर के हैं, वो आगे बढ़ सकें। आज जिस मकसद के लिए हम जमा हुए हैं, हम उस पर आना चाहते हैं कि देखिए, एक आदमी, बुरा मत मानिएगा कि उसका मुआहदा किसी से हो, लेकिन वो काम सबके लिए करता, चाहे दलित हों, पिछड़े हों, अति पिछड़ा लोग हों, महादलित हों, ऊंची जात के लोग हों, लेकिन अकलियत के लिए जितना काम नीतीश कुमार जी ने किया है, आप यकीन नहीं करेंगे, पूरे हिंदुस्तान में किसी रियासत में चले जाइए, किसी राज्य में चले जाइए, मैं दावे से कह सकता हूँ कि केरला के अंदर मुस्लिम लीग सरकार में होती है, उसने उतना काम नहीं किया होगा, न कर सकती है जितना कि नीतीश कुमार जी ने बिहार में किया। आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं, पिछली दफ़ा मानू में आए दरभंगा के अंदर, कहा कि जो चाहिए मांग लीजिए, आज जाके देख लीजिए वहाँ पर 400-600 बेड का हॉस्टल्स बन रहा है, 30 करोड़ के, 30 करोड़ रुपया ज़मीन परचेज करने के लिए उन्होंने भेज दिया मानू के, वहाँ पे तकरीबन 20 से 21 एकड़ ज़मीन एक्वायर करके वो दे रहे हैं मानू के कैंपस, किसके लिए दे रहे हैं, आप ही के लिए दे रहे हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कैंपस की बात हुई, अब तक जो दो कांग्रेस राज्य हैं थे उस वक्त, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, का ज़मीन नहीं मिल सका, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बिहार ने, जबकि खुद उनकी जो पार्टी थी, जो साथ में काम करने वाली पार्टी थी, उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया, लेकिन नीतीश कुमार जी ने कहा यह तालीम का मामला है, हमारे मुसलमान भाइयों का मामला है, हम इसमें पीछे नहीं हटेंगे, और 300 एकड़ ज़मीन तकरीबन उन्होंने किशनगंज के अंदर देने का काम किया। तो लगातार वो काम करते रहते हैं, लगातार, और आपके किसी काम को रोकते नहीं हैं, लेकिन हमारे बीच में लोग आते हैं, कभी कोई स्लोगन, कभी कोई स्लोगन, मैं क्या बताऊं आपसे कि अभी कुछ हमारे लीडर हैं जो
पिछली दफा उम्मीदवार भी दरभंगा के अंदर हुए थे, राजद के वोटर ने उनको वोट नहीं दिया और नहीं जीते, लेकिन जाके मुसलमानों को डरा रहे हैं कि भाई NRC NPR ट्रिपल तलाक पे जाके डराने का काम कर रहे हैं। पहले आप तो जीत लो, वोट पूछो ना कहाँ गया, अफजल खान का वोट कहाँ गया, अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब का वोट कहाँ गया, फैयाज साहब को वोट क्यों नहीं मिला, अली अशरफ फातमी जब यहाँ से MP का उम्मीदवार होता था वोट क्यों नहीं मिला, लालू जी का वोट कहाँ गया, हम वोट भी दें और जब मेरा उम्मीदवार खड़ा हो तो वो जीत भी नहीं पाए, और मैंने पार्टी से समझो कि हमको हटाया गया सिर्फ यही वजह थी कि मैंने प्रोटेस्ट किया कि आप अपने लोगों पे कार्रवाई करें, वो लोग जो कि MLA हैं, बड़े ओहदों पर हैं और पार्टी के अंदर रहने के बाद हमें हमारी मुखालफत करते हैं। मैंने कभी यादवों की मुखालफत नहीं की, याद कीजिएगा, मैंने फर्स्ट डे कहा था कि यादव लोगों ने मेरी मदद की जो आम लोग हैं, लेकिन लीडरों ने वो हराने का काम किया। अब आप देख लीजिएगा सिद्दीकी साहब हम कब कितने वोट से हारे थे, 2014 में 34,000 से, अब की अब्दुल बारी सिद्दीकी हारे 2,80,000 से तकरीबन, तो अब तैयारी हो गई कि सिद्दीकी साहब फेल हो गए, अब फलां यादव साहब आ जाएंगे लड़ने और हम लोग खुशी खुशी उनको वोट दे रहे होंगे। देखो ये मुल्क आपका है, ये कंट्री आपका है, ये प्रदेश आपका है, ये ज़िला आपका है, ये गांव आपका है, दुनिया में कोई भी आपको इस हक से अलग नहीं कर सकता है, किसी के बाप के अंदर हिम्मत नहीं है, बस ये बात समझ लेना। हिंदुस्तान आज़ाद हो गया, पाकिस्तान बन गया, लेकिन हम लोगों ने जो हमारे आबो अजदाद थे उन्होंने यही रहना पसंद किया और हमने अपने पसंद से हिंदुस्तान को चुना है, ये हमारा मुल्क है और समझो कि ये इलाका जो है ये गंगा जमुनी तहजीब का एक ऐसा नमूना है जो दुनिया के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। दुनिया के अंदर नफरत मिलेगी लेकिन हिंदुस्तान के अंदर प्यार मोहब्बत के अलावा बहुत कुछ नहीं है। आप चलो गांव के अंदर चलो, आपको खुशी होगी, आपको फ़र्क नहीं मालूम होगा, सब मिलजुल के रहते हैं। मैं तो कुशेश्वर स्थान के कई गाँव में गया, कई गाँव में गया, एक दूसरे से किस तरह से घुल मिल के रहते हैं, कहीं पर 50 की आबादी है मुसलमानों, कहीं 200 की आबादी, बड़े अच्छे से रह रहे हैं, मस्जिद भी है, मस्जिद की अजान भी आती है, लोग सभी अपने रसूमात मुहर्रम हो ईद हो बकरीद हो सब आराम से करते हैं। तो मैं तो यही समझता हूँ कि ये हमारा घर है, इस पर जितना किसी और का अधिकार होगा उतना अधिकार हमारा है, और आपको नीतीश कुमार की कम से कम क़यादत पर भरोसा रखना चाहिए। नीतीश ने अगर बिजली किसी के घर भेजा तो आपके घर भी भेजा, किसी के गांव में सड़क बनी तो आपके यहाँ भी बनी, किसी के यहाँ पुल बना तो आपका भी बना, किसी के तालीम का इंतज़ाम हुआ तो आपका भी हुआ, आपका तो एडिशनल इंतज़ाम हुआ, कोचिंग सेंटर दरभंगा में, कोचिंग सेंटर पटना में, आपके बच्चे अब कम्पीट कर रहे हैं, नौकरियों में जा रहे हैं। अब देखो मदरसे का एहतमाम 400 करोड़ रुपया सालाना लगता है मदरसा के पूरे इंतज़ाम में, 400 करोड़ रुपीस, जिसमें 100 करोड़ बिल्डिंग का है, 300 करोड़ आप लोगों की तनख्वाह सैलरी और दूसरी चीज़ें। तो ये अभी रेजिडेंशियल स्कूल बना रहे हैं, वो पूरे बिहार में हर ज़िला में एक फराजी की कॉन्स्टिट्यूएंसी में असराहा गांव के अंदर चले जाइए, जाके देखिए आप, 57 करोड़ की शानदार बिल्डिंग आधे से ऊपर बन के तैयार हो गई, जिसमें 700 से 800 बच्चे मुसलमान बच्चे रहेंगे, उनका रहना खाना, लड़के और लड़कियां दोनों, आधा लड़के आधे लड़कियां, उनका रहना खाना पीना, उनका स्टाइपन सभी फ्री का है। तो अब क्या चाहिए, वो हमारे लिए सब कुछ कर रहे हैं तो हमें भी उनके लिए कुछ करना चाहिए। तो देखिए आप लोग जितने लोग बैठे हुए हैं, अगर याद करो तो बदर में कितने लोग थे हजूर के साथ, याद करो, तो इतने लोग तो बहुत हैं,
कुशेश्वर स्थान को जीतने के लिए। मैं तो गया था, आप ही का जिक्र हो रहा था एक जगह, आपको खोज रहे थे लोग। तो अगर आप लोग तैयार हो जाइए तो कुशेश्वर स्थान को, और देखो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप जो आपका बूथ है अपने उस पर अपनी मौजूदगी दिखा दीजिए। हमारी जीत हो गई, जीत तो ऐसे ही रहा है, आप यकीन करिए। वो यतीम भी हो गया, टूअर भी हो गया, सब चीज़ हो गया बेचारा, उसके लिए हमदर्दी है चारों तरफ। फिर राजद और कांग्रेस एक साथ लड़ रही थी, तब हार गई वो। अब तो दोनों अलग अलग हैं, खानदान भी बटा हुआ है। एक भाई कंप्लेन करेगा लालटेन के लिए, दूसरा भाई आ रहा है हाथ के लिए, तो ख़त्म हो गया उनका मामला। जीत तो रहे हो आप, लेकिन आप अपने बूथों पर अल्लाह के लिए अपनी मौजूदगी दिखा दीजिए, इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ कि ये जीत भी होगी और आपका नाम होगा। बस मैं ये जानता हूँ कि आपका नाम भी जुड़ेगा इस कामयाबी के साथ, और मदरसा के अंदर इंशाल्लाह आप इमेजिन नहीं कर सकते मैं जिस लेवल पे काम कर रहा हूँ। अल्लाह ने चाहा मदरसा बोर्ड बिहार हिंदुस्तान का नंबर वन का मदरसा बोर्ड बनेगा, और यहाँ के मदारिस कौम मिल्लत की खिदमत में एक बहुत बड़ा, समझिए कि बहुत बड़ी चीज़ बन के आएगी, ये मेरा मानना है और मैं दिल से उस पर काम कर रहा हूँ, और इंशाल्लाह बहुत जल्द इसके नतायज भी आपके सामने आएंगे। इन्हीं चंद अल्फाज के साथ और इस उम्मीद के साथ, क्या मसला ये 609 वाला मदरसा, वो हो गई बात। देखिए अब हर बात को इलेक्शन के दौरान ऑफिशियली नहीं बोलना चाहिए, बुरी बात है। वो मेरी बात हो गई, समझ गए ना। उसमें जो भी आप लोग हैं जिनको प्रॉब्लम है, 30 तारीख तक आप प्रॉब्लम में रहिए, 1 तारीख बाद प्रॉब्लम में नहीं है। 30 तारीख तक आप मेहनत कर दीजिए, इंशाल्लाह। वो मेरी जिम्मेदारी है, मेरी बातचीत हो चुकी है, वो मेरी बातचीत हो गई है, समझा ना। और उसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है भाई। देखिए बिल्डिंग बनाने की भी जिम्मेदारी हमारी है, हम तो कोशिश करेंगे कि फर्नीचर के साथ बिल्डिंग मिले आगे फ्यूचर में। इसमें भी फर्नीचर है, ये जो बन रहा है इसमें फर्नीचर है ना जी, फर्नीचर के साथ। तो इन्हीं चंद अल्फाज के साथ और इस उम्मीद के साथ कि आपका तआवुन हमारे लिए रहेगा, एक मरतबा तीर छाप को जितवा दीजिए। आप अपने वोट से, पिछली दफ़ा भी जीता वो, आपका वोट नहीं था, लेकिन इस दफ़ा आप अपने वोट से जितवा दीजिए। आप लोग अगर फैल जाइएगा कुशेश्वर स्थान में, मैं जानता हूँ बहुत रिमोट एरिया है, हम लोगों का तो जाना भी मुश्किल है। हर गांव अफजला जैसा नहीं है या बेग जैसा नहीं है, तो ऐसा ऐसा इंटीरियर गांव है कि जाने में हालत ख़राब हो जाती है। तो मैं लगातार घूम रहा हूँ, 28 तारीख तक घूमूंगा, जहाँ भी आप हों, जिस गांव से हों। आप बताइए कुशेश्वर स्थान के कितने लोग हैं इसके अंदर,